हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग को पता है कि सीबीएसई क्लास 10-12 का रिजल्ट जो रिलीज हुआ 2021 का, उसमें बहुत सारे बच्चों का मार्क्स बहुत कम कर दिया गया, जिसके लिए छात्र हंगामा कर रहे हैं। तो सीबीएसई ने कहा था कि हम 6 अगस्त तक एक डिस्प्यूट जारी करेंगे, डिस्प्यूट कमेटी फॉर्म करेंगे, जिसको जो प्रॉब्लम है उस कमेटी के द्वारा सॉल्व किया जाएगा, अगर वो जेन्युइन प्रॉब्लम हुआ तो। लेकिन आज 8 अगस्त है, 6 अगस्त को तो नहीं हुआ, लेकिन आज 8 अगस्त है। देख सकते हैं आज का ये सर्कुलर है, इसमें सीबीएसई ने सर्कुलर रिलीज किया है और उसने कमेटी बना दिया तो किस तरह का आपका डिस्प्यूट है, और डिस्प्यूट डाला गया यहाँ पे टाइप 4, मतलब 4 तरह का डिस्प्यूट डाला गया यहाँ पे। उसके बाद देख सकते हैं कि कमेटी आप लोग का डेट क्या है, किस डेट में किस डिस्प्यूट का जो है सॉल्यूशन किया जाएगा, किस बेसिस का आप लोग का मार्क्स बढ़ेंगे, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। टाइप ए का जो है 10 अगस्त से 13 अगस्त तक प्रोसेसिंग होगा रिजल्ट कमेटी के द्वारा, जो भी प्रॉब्लम है उसका। फिर टाइप टू का देख सकते हैं 12 से 16 अगस्त और टाइप थ्री का 11 से 14 अगस्त के बीच। तो अगर आप लोग को भी कोई भी प्रॉब्लम है अपने रिजल्ट के रिगार्डिंग, आप लोग को लग रहा है कि मेरा मार्क्स कम है और आना चाहिए था, और इस पर किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, तो आप सीबीएसई के साइट पे जाके वहाँ से डिस्प्यूट का ऑप्शन आएगा, उससे उस पर मैं आपको एक वीडियो बना दूंगा जब वो लिंक जारी हो जाएगा। तो अभी वो लिंक जारी नहीं हुआ, और सीबीएसई ने एक डिटेल दे दिया है डिस्प्यूट कमेटी पे कि हम लोग बना चुके हैं। तो आप लोग को वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, अपना कंप्लेन लिखना होगा कि किस कारण से आपका कम आया, आपको क्या लग रहा है, और उसके बाद अगर आपका प्रॉब्लम जेन्यून है तो आपका मार्क्स बढ़ेगा। इस तरह से जिनके भी मार्क्स कम है, मतलब अगर सभी को लगता है कि हमारा मार्क्स और बढ़ना चाहिए था और उनका प्रॉब्लम जेन्यून है, तो उनका मार्क्स ज़रूर बढ़ेगा। तो अगर इस पर कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है और साइट लिंक वहाँ पे एक्टिव होता है, तो हम आपको तुरंत अपडेट करेंगे। सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी दबा दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।